आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। अभी तक आपको ये लाइन सिर्फ शाहरुख की फिल्म का एक गाना लगती होगी, लेकिन आज इस पॉडकास्ट के बाद आप भी हैरत में आ जाएंगे कि जमीन कभी ठहरती नहीं बल्कि चलती रहती है। कैसे? इस पॉडकास्ट को आखिर तक सुनिए, आप भी जान जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो, और हम लेकर आते हैं अनूठी जानकारियों वाला पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। जमीन के चलते रहने का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे टेक्टोनिक प्लेट्स जिम्मेदार हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या हैं? जमीन की लिथोस्फीयर की पहली लेयर यही प्लेट्स होती हैं। लेकिन अब सवाल है, ये लिथोस्फीयर क्या है? तो एक्सपर्ट से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट का साइंस। प्लेट टेक्टोनिक्स का साइंस समझने के लिए हमने बात की नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के साइंटिस्ट डॉक्टर ओपी मिश्रा से। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती हैं और इनका मूवमेंट क्यों होता है, डॉक्टर ओपी मिश्रा से सुनिए। जो हमारी पृथ्वी जो है वो नवग्रहों में एक बहुत ही मुख्य प्लैनेट के रूप में माना जाता है। तो पृथ्वी की संरचना जो है वो आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, और जिस तरह से मनुष्य के शरीर में 3 लेयर होते हैं, ऊपर वाले लेयर को त्वचा बोलते हैं, बीच वाले लेयर को फ्लेश बोलते हैं और नीचे वाले लेयर को बोन बोलते हैं, उसी तरह से पृथ्वी के भी 3 लेयर होते हैं। जो त्वचा लेयर जो बोल रहा हूँ उसे पृथ्वी के लेयर को ऊपर वाले लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, फ्लेश जो लेयर है बीच वाला लेयर है वो पृथ्वी के लेयर के बीच वाले लेयर को मेंटल बोलते हैं, और उसी तरह से पृथ्वी के निचली लेयर को कोर बोलते हैं, जो कि मनुष्य के निचली लेयर बोन के बराबर होते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के संरचना में 3 प्रकार के लेयर्स हैं, और ये जो ऊपर वाले जो क्रस्ट है वो काफी सॉलिड है, और नीचे वाले जो मेंटल के 2 भाग है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, कोर का भी 2 भाग है, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो ऊपर जो क्रस्ट है वो सॉलिड है, अपर मेंटल भी सॉलिड है, थोड़ा घिसकर मैंने सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, और जो लोअर वाला जो मेंटल है वो एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, वो विस्कस है, और जो ऊपर वाला कोर है वो आउटर कोर जो लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। तो इसी तरह से क्रस्ट को मिलाकर और अपर मेंटल को मिलाकर एक लिथोस्फीयर लेयर बनता है। वो लिथोस्फीयर काफी रिजिड होता है, नौका की तरह होता है, जैसे नौका है जैसे, और उसके नीचे जो है एस्थेनोस्फीयर है, जैसे कि हम देखते हैं कि नौका नदी में तैरती है, उसी तरह से लिथोस्फीयर जो है वो एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है, स्विम कर रहा है, और उस लिक्विड के होने के चलते, एस्थेनोस्फीयर विस्कस होने के चलते उसके डेंसिटी चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होने के चलते वहां पर एनर्जी चेंज होता है, और वो जैसे डायनोमो की तरह काम करता है, जैसे कि डायनोमो घूमता है तो लिक्विड जो है मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट के चलते जो ऊपर वाला जो तख्ता है जो लिथोस्फीयर है जिसको प्लेट बोलते हैं, वो जो है उसी एनर्जी के चलते, फ्रिक्शनल एनर्जी के चलते, काइनेटिक्स एनर्जी के चलते वो प्लेट मूव करता है। अब प्लेट टेक्टोनिक से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां आपको देता हूं। आप जानते हैं हवाई हर साल अलास्का के 7.5 सेंटीमीटर नजदीक आ रहा है। ये बात यूनिक इसलिए है क्योंकि किसी प्लेट का इतना यूनिफॉर्म मूवमेंट कम देखा जाता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इस गति को नाखून के बढ़ने की गति से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि जिस गति से आपका नाखून बढ़ता है बस उसी गति से हवाई द्वीप अलास्का के करीब आ रहा है। हवाई पैसिफिक प्लेट पर स्थित है जो सालों से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ रही है, और यही कारण है कि उसकी नजदीकी अलास्का से बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक और बदलाव इंडिया में भी देखा जा सकता है। इंडिया हर साल सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है। हालांकि बदलाव इतने कम स्तर पर होता है कि खुली आंखों से इसका पता लगा पाना नामुमकिन है, लेकिन हजारों साल के बाद इंडिया के एरिया में कुछ सेंटीमीटर्स कम जरूर हो जाएंगे। डॉक्टर ओपी मिश्रा बताते हैं ऐसी मूवमेंट्स के पीछे का साइंस क्या है, सुनिए। देखिए, प्लेट जो आपका जो अर्थ जो है, अर्थ और अर्थ के नीचे और अर्थ का ऊपर, एटमोस्फेयर के हैं, एक्सोस्फेयर हैं, उस तरह से काफी मेसोस्फेयर हैं, ये सारे चीज इंटरलिंक्ड है। देयर इज मतलब कि इंटरेक्शंस बिटवीन द अर्थ एज वेल एज एटमोस्फेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे प्लेट की जो मूवमेंट है, जो प्लेट मूव कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि कब प्लेट मूव नहीं करेगा। जब विस्कस एनर्जी, जब विस्कोसिटी कम हो जाए एस्थेनोस्फीयर का और वो रिजिड हो जाए, माने कूल हो जाए, जब कूल हो जाएगा तो वो चलना बंद हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, और यदि कोई अपवेल हो रहा है, हॉट मटेरियल कोई नीचे से आ रहा है वोल्केनिज्म के चलते नीचे से, या आपका मेंटल प्लूम के चलते, क्योंकि अर्थ के नीचे का टेम्परेचर करीब करीब सोलर सिस्टम के
6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, तो टेम्परेचर के चलते विस्कोसिटी मेंटेन है। लेकिन और भी फैक्टर्स काम करते हैं, ये तो नेचुरल फैक्टर्स अपना काम कर रहा है और नेचुरल प्रोसेसेस के चलते विस्कोसिटी, डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर चेंजेस ये होते रहते हैं कूलिंग के चलते, वार्मिंग के चलते। जैसे कोई प्लेट नया है उसका जो है वार्मर है, और वार्मर है तो एजाइल है। कोई प्लेट पुराना है, जैसे पैसिफिक प्लेट पुराना है, इंडियन प्लेट पुराना है, तो इसका टेम्परेचर कम है तो थोड़ा ये शिथिल है, रिगिड है, इसलिए इसकी स्पीड कम होगी। इसलिए इंडियन प्लेट को बोलते हैं कि इंडिया नॉर्थ की तरफ 5 मिलीमीटर पर ईयर घूम रहा है। अब मिश्रा जी से ये भी सुनिए कि इन मूवमेंट्स पर किन फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। अब एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि ई फाल्डानो ने 2011 में एक बहुत बढ़िया रिसर्च किया टेक्टोनो फिजिक्स में, कहा कि प्लेट के स्पीड, प्लेट के मोशन की स्पीड एक्सलरेट कर जाता है, बढ़ जाता है मॉनसून सीजन में। तो मॉनसून का जो परकोलेशन सब जितने प्रेसिपिटेशन है, बरसात की जो पानियां है, जो फ्लश वाटर्स है, वो जो है किसी किसी जाकर पृथ्वी के नीचे क्रस्ट में जो एक्टिव फॉल्ट होते हैं उसको लुब्रिकेट करके उसको स्पीड अप कर देता है, मूवमेंट को हास्टन कर देता है। मिसलब तो मूव तो कर रहा था, इसको स्पीड को थोड़ा बढ़ाता है। इस पर रिसर्च किया गया। लेकिन बहुत से और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसके चलते टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, लिथोस्फेरिंग के कूलिंग और वार्मिंग का क्या उस पर इम्पैक्ट है, ये सारे इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी इस पर काम करते हैं, जिससे कि प्लेट मोशंस पर प्रभाव पड़ते हैं। में है कि जो नेचुरल फैक्टर्स है, जो प्राकृतिक अवस्थाएं है पृथ्वी की, उससे जो है प्लेट मोशन हो रहा है, जिसमें फ्रिक्शनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स में और नेचुरल फैक्टर्स में से मॉनसून के चलते जो स्पीड अप हो रहा है मोशन, उसकी रिसर्च अभी आगे आई है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल चेंजेस, रीओरिएंटेशन, लिथोस्फेरिक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उससे भी प्लेट मोशन पर प्रभाव पड़ता है। तो प्लेट मोशन नेचुरल एज वेल एज जो अभी जो हो रहे हैं जो ये उस पर है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी से, मानविक शक्ति से जो काम हो रहा है उस पर उसे कितना प्रभाव है, इसका अभी रिसर्च डिबेटेबल है, इस पर नहीं है। लेकिन मॉनसून का प्रभाव है जिससे कि प्लेट जो है अपना मोशन को स्पीड अप करता है, बढ़ाता है। तो देखा आपने टेक्टोनिक प्लेट्स का विज्ञान कितना मजेदार है। अब कुछ रोचक बातें आपको और बताता हूं। इन मूवमेंट्स के साथ चौंका देने वाली एनर्जी भी निकलती है। कई बार ये एनर्जी भूकंप के रूप में इतनी भयानक होती है कि हजारों की जान जाती है, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है। कहते हैं कि 2004 में इंडियन ओशन में हुए मूवमेंट्स, जिसे बॉक्सिंग डे सुनामी के नाम से हम सब जानते हैं, उनमें इतनी पावर थी कि अमेरिका के सभी घरों में और इंडस्ट्रीज में 3 साल तक बिजली मिल सकती थी। धरती पर अभी तक का सबसे भयानक भूकंप चाइना के शांक्सी प्रांत में आया था। तारीख थी 23 जनवरी 1556। कैजुअलिटी के लिहाज से इस भूकंप में 8,30,000 लोग मारे गए थे। इस बात का अंदाजा आप यूं लगा लें कि हर साल दुनिया भर के भूकंपों में 8,000 लोग मारे जाते हैं। तो 8 की तीव्रता वाला वो भूकंप रेक्टर स्केल पर सबसे ऊपर तो नहीं था, मगर सबसे ज्यादा जाने उसी में गई। इसी से आप प्लेट टेक्टोनिक्स की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान, कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स का एक फिनोमेना इतनी चौंका देने वाली घटनाओं को जन्म दे सकता है, ये हमने आज जाना, साथ ही इसके पीछे के साइंस को भी समझा। ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ हम आते रहेंगे। सुनते रहिए आज तक रेडियो का हमारा पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। और हाँ, आज तक रेडियो आप हब हॉपर, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्टोरीटेल, जियो सावन, इन तमाम जगहों पर सुन सकते हैं। और यदि कोई शिकायत है, सजेशन है, तारीफ है, बुराई है, तो हमें जरूर ईमेल भी करें radio@aajtak.com पर। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वहां पर भी जो चाहे हमें लिख दीजिए, हम जरूर पढ़ेंगे। तो आज का ज्ञान ध्यान पेश कर रहा था मैं नितिन ठाकुर। इसकी साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने और रिसर्च किया है अनुष्का सोलंकी ने। तो अब लूंगा आपसे विदा। नमस्कार, सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।